हेलो बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकंड का एग्जांपल वगैरह हो रहा था, चल रहा था, जो बच्चों को समझ में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन जो मैंने एक बार पढ़ा दिया ना, शायद तुम समय में आ गया होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। अब जैसे बच्चों इसमें एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्या क्वेश्चन है था देखे। जैसे मान लो ऐसा कोई व्हीकल है, मान लिया स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 30 मीटर को या तो 35 मीटर पर सेकेंड से वो जा रही है, इसलिए स्पीड है। और बोला गया है कि उसमें रिटार्डेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या हो रहा है बच्चों, रिटार्डेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन में लिखा रहेगा सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, तो बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, और या तो डिस्टेंस बोलो। फाइंड डिस्टेंस इन, नहीं, इसमें निकालना क्या था? डिस्टेंस निकालना था, ठीक है ना। तो फाइंड डिस्टेंस इन फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा, मुझे इसका आंसर निकालना है। अब सोचो बच्चों, इनिशियल स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें निकालना क्या था? डिस्टेंस निकालना था, है ना बच्चों। इसमें क्या निकालना है? फाइंड डिस्टेंस। चलो मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि वहां पे तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा। डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड में क्या डिस्टेंस होगा? अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या इनिशियल स्पीड कितना है बच्चों? 30 मीटर पर सेकंड में गिवन है। ओके, एक्सीलरेशन कितना है? तो -10 मीटर पर सेकंड। क्यों माइनस? क्योंकि रिटार्डेशन है। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, एसएनएफ का क्या फॉर्मूला होता है? एसएनएफ का फॉर्मूला होता है U+A/2 2n-1। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है? बोलता है फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस निकालो। ओहो, अब फोर्थ सेकंड में बोल दिया, तो फोर्थ सेकंड ले दिया n बराबर। ठीक है, s फोर्थ, 35 + 5 - 2, मतलब -n/2 2n, कितना? फोर्थ आ गया। कितना आ गया देखो, आ गया 35 प्लस, ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया -5, है कि नहीं? 8 8 में तो 7 7, 35 35 0, 35 35 0। क्या ऐसा कभी डिस्टेंस कभी भी 0 आएगा बच्चों? नहीं सर। इसका मतलब एसएनएफ क्या है? एसएनएफ जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कभी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो बात अलग है। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं वहां से रिटर्निंग बैक किया, मतलब वो चलता नहीं रहा, कहीं पे रुक के फिर वहां से क्या किया होगा? बैक किया होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। तो इसका क्या है? ऐसा 0 आएगा? नहीं, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये निकालेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सुनना मेरा बात। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने टी टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, निकालना हो डिस्टेंस, तो हम देख रहे हैं कि कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, ऐसा दिमाग में ये रखेंगे, हम दिमाग में क्या रखेंगे, थोड़ा सुनो, दिमाग में ये रखेंगे कि हम सबसे पहले वो समय निकालेंगे, जिसपे वेलोसिटी 0 आ रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जब वेलोसिटी 0 आ जाएगा। क्यों? रिटार्डेशन फोर्स है, रिटार्डेशन एक्सलेशन है। वो समय निकालेंगे जब एक्सलेशन क्या हो, जब वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। तो v इक्वल टू U+AT। v कितना है? तो 0 होना चाहिए। u कितना? 35 -10 × t। कितना t आ गया? t आ गया 3.5 सेकेंड। मतलब क्या हो गया बच्चों? t इक्वल टू 3.5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो रहा है उसका। अब सोचो बच्चों, मुझे एक चीज बताना, अगर 3.5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बाबू कि देखो इधर, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, देखना थोड़ा, देखो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं कि, अब देखना यहां भी इसको ऐसा बना सकता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट मूव किया इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड से,
एक्सलेशन इधर किया और 10 मीटर पर सेकंड से यहां से चलना स्टार्ट किया, चलता गया। एक समय ऐसा आया कब T=3/5 सेकंड पे जब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब वेलोसिटी जीरो हो गया तो तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, तब यहां से उल्टा चलना स्टार्ट होगा। उल्टा मतलब यहां चलना स्टार्ट 3.5 सेकंड। अब बोलते हैं 4 सेकंड, तो T=4 सेकंड बोलते हैं। फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब सोचो 3.5 सेकंड में जब यहां आ गया तो बाकी कितना सेकंड बचा, तो बाकी बचा 0.5 सेकंड बचा वो, ठीक है। अब क्या है, अब निकालो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, ये निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, यू पता है कि नहीं, ए पता है, टी कितना है 3.5 सेकंड, सब पता है, ठीक है क्या। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे बताना क्या करेंगे, बोलो देखो तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहां पे कि 3.5 यहां पर निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, बेसिक तरीके से करेंगे। s कितना है, मुझे यहां से यहां तक s निकालना है, u कितना है 35, t कितना है 3.5 सेकंड, माइनस हाफ 10 t स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, देखो ये 35 करो कितना आएगा, ये 25, 15 2 17 25, ठीक है, ये कितना आएगा 15 10 5 7 5 12 1 2 1225, तो 1225 माइनस ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 12.5 into 5 कितना आएगा 25 60 61, ये कितना आ गया 31 61.25, तो s बराबर कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, ये आएगा यहाँ पे तो 61.25 इसका भी आंसर, मतलब ये माइनस करो कितना है 61.25 आंसर आ गया। अब देखना तो 61.25 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 4 सेकंड ये कब निकाला, T=3.5 सेकंड तक कितना आया, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, तो यहां से यहां डिस्टेंस आ गया वो 61.25 मीटर आ गया यहां से यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताओ T=4 सेकंड पे मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो देखें इधर T=4 सेकंड पे डिस्टेंस कितना होगा, T=4 सेकंड पे S=UT, ठीक है, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कितना गया बच्चों, देखो 25 20 36 12 12 2 14 माइनस कितना गया 5 80 कितना गया, ये आ गया कितना 60, कितना आ गया 60, कितना गया 60, मतलब 4 सेकंड में 60 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब क्या बोल, ये क्या बोल रहा था कि फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्थ सेकंड में आया क्या बोला मैं, तो अब देखो यहां पे 4 सेकंड मतलब 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में बोल रहा है, तो 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, तो क्या करेंगे हम, अब देखना 3.5 में यहां 61.25, अब बोलो यहां से 3 सेकंड में कितना आएगा, तो 3 सेकंड में तुम निकाल सकते हो। अच्छा ये कितने पे आ गया 4 सेकंड पे, अच्छा ये बताओ T=3 सेकंड पे कितना आएगा, तो निकाल सकता हूं मैं कितना, देखो s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर, तो u कितना 35 इंटू टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर कितना आ गया 15 10 माइनस 5 945 कितना गया बच्चों, ये आगे ये 55 कितना गया, नहीं कितना गया ये 55 60 कितना गया बच्चों 60, मतलब क्या हो गया 3 सेकंड में T=3 सेकंड जब ये जा रहा था उस समय की बात है, कितना आ गया 60 मीटर। बोलते हैं फोर्थ सेकंड, फोर्थ का मतलब क्या हो गया बच्चों, फोर्थ का मतलब हो गया कि वो, फोर्थ का मतलब ये हो गया कि वो कितना डिस्टेंस जा रहा होगा, कितने सेकंड में, 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, क्योंकि बोल रहा फोर्थ। अब सोचो 3 सेकंड में कितना था 60 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना है, तो 4 सेकंड में कितना है देखो, तो 4 सेकंड में कितना है बच्चों, 4 सेकंड में भी कितना है 60 मीटर ही है, देखो तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया
3 सेकंड में भी यहीं पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 3 सेकंड जाते समय वहीं पे था और 4 सेकंड में भी वहीं पे था, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट आ क्या रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि 3 सेकंड में जब निकालोगे एस बराबर यूटी प्लस आर स्क्वायर से तो 60 मीटर ही आएगा, 4 सेकंड में निकालोगे तो 60 मीटर ही आएगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा था 4 सेकंड में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, इसका मतलब है। ठीक है, ऐसे कितना डिस्टेंस हुआ अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सोचो यहां से यहां तक कितना आया होगा, 1.25 मीटर, और यहां से यहां तक भी कितना आया होगा, 1.25 मीटर, 3 से 3.5 तक 1.25 मीटर और 3.5 से 4 सेकंड तक 1.25 मीटर, क्योंकि यहां पे कितना है 61.5 और ये 60 है पूरा, तो ये मैंने से कर दो तो ये है ना, तो 1.25 जाने का और 1.25 आने का टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 2.5 मीटर आएगा। क्या बोलो, समझ में आया क्या, क्या क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 आ रहा था कि देखो 4 सेकंड की बात बोल रहा है, 4 सेकंड मतलब क्या हुआ कि 3 सेकंड और 4 सेकंड में डिस्टेंस सेम ही आ रहा था, इसीलिए मतलब पोजीशन सेम आ रहा था, 60 मीटर आ रहा था, है कि नहीं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था, जो ये आ रहा था, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि t इक्वल टू, मैंने देखा कि कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 होता है, तो 3.5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने क्या किया, 3.5 सेकंड तक डिस्टेंस निकाल दिया, s बराबर ut प्लस r स्क्वायर, तो कितना आया, 61.25 आया पूरा यहां से यहां तक। अब मुझे ये जानना था कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना डिस्टेंस आता है, क्योंकि मुझे निकालना है 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में निकालना है 4 सेकंड, तो देखो तो मैंने 3 सेकंड पे निकाला, डिस्टेंस कितना आया था 60 मीटर, ठीक है, और 4 सेकंड पे भी निकाला तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 60 मीटर, तो 60 मीटर और ये भी कितना आया 60 मीटर, मतलब 3 और 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। अच्छा s फ्रॉम ut प्लस स्क्वायर, s क्या डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। तो देखो बच्चों, तो इसीलिए तो मैंने क्या किया कि मुझे 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में निकालना था, अब देखो 3 सेकंड से आया 3.5 सेकंड, कितना, तो ये 60 और ये 61.25, तो ये कितना बचा 1.25 मीटर, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस आया। फिर 3.5 से कहां तक आया होगा 4 सेकंड तक, तो ये भी कितना आया, अब चूंकि ये 4 सेकंड में 60 था तो ये था 61.25, तो यहां से यहां तक आया 1.25, तो 1.25 कितना आ गया 2.5, इसका आंसर आ गया। क्या बच्चों समय आ गया क्या, मेरे कल ये समय में आ गया, ओके चलो, ऐसा ऐसा मेरे बच्चों तुमसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इसमें शानदार टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हें समय में नहीं आया होगा स्कूल लेवल में, चल सीखो। देखो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एस नियत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, ठीक है। तो मैं एक चीज निकलेट चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है 3 सेकंड, और इसका एक्सलेशन है, इसका रिकॉर्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिकॉर्डेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये दिखा दिया, बोलता है डिस्टेंस निकालो, फाइंड डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ। अब देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया ना, वैसे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि थर्ड सेकंड मतलब होता है t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, अगर मैं एसएनएच के तरीके से निकालू तो क्या आंसर आएगा, देख एसएनएच के तरीके से क्या आंसर आएगा, देख एसएनएच के तरीके से थर्ड सेकंड में u 20, ठीक है, माइनस 10/2 क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है, इन दोनों 6 में मींस एक चल जाए कितना 5 5 5 गुना 5 सॉरी ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5 5 गुना 5 कितना 25। अब सुनिए इधर, मैं इसको स्पीड लेता हूं
मैं उसी टाइप की एग्जांपल कर रहा हूँ, सेम एग्जांपल, ठीक है, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। एक मैं एग्जांपल से कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, थर्ड सेकंड में एक्सीलरेशन कितना आ गया बच्चों, जीरो। कब? जब स्पीड क्या हो, 25 मीटर पर सेकंड हो, मुझे निकालना था डिस्टेंस से थर्ड सेकंड कितना होगा। देखना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसका मतलब हो गया ना कि t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 3 सेकंड पे पोजीशन क्या है, पोजीशन सेम है। क्या बोला कि t इक्वल टू 2 सेकंड, तुम चाहो तो निकाल लो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों आया, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल लो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ut प्लस r बटे स्क्वायर लगा लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पोजीशन 25 t माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर 4 कितना बच गया, 50 माइनस 5 20 कितना आ गया, 30 मीटर पोजीशन। t इक्वल टू 3 सेकंड पे भी निकाल के देख लो, t इक्वल टू 3 सेकंड पे भी निकाल के देख लो क्या आ रहा है बताओ, t इक्वल टू 3 सेकंड पे भी निकालोगे तो कितना आएगा, s बराबर ut माइनस हाफ 10 t स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, ये देखो 75 माइनस 45 कितना आ गया 30। देखो t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, इसीलिए थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था बच्चों, जीरो आ रहा था। मतलब जहां था वही t इक्वल टू 2 सेकंड पे, जहां पे है वही t इक्वल टू 3 सेकंड पे वही है। क्या बॉडी रेस्ट पे है क्या, नहीं रेस्ट पे नहीं है, वहां पे रेस्ट पे नहीं है, मतलब क्या हो गया वहां पे क्या है, कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, फिर वहां से मूव किया होगा, तो वो चीज सेम है। तो मैं क्या करूंगा, देखना जैसे ही जीरो आ गया दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कभी आंसर नहीं होगा, तो आंसर डिस्टेंस में क्या होगा देखना। अब बताओ टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना है बच्चों, इस वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो आएगा बच्चों, तो कहते हैं वी इक्वल टू यू प्लस 18, जैसे ही दिमाग में आ जाएगा जीरो आ गया वैसे ही लगाएंगे कितने समय में वेलोसिटी जीरो आएगा, 25 माइनस 10 इंटू टी कितना आ गया 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड में कितने 2.5 सेकंड में वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। अब 2.5 और कहीं कहीं टी इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है, मतलब इधर आया तब और जाते समय t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे होगा, ठीक है क्या, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो दोनों को मैंने एक जगह दिखा दिया, क्योंकि पोजीशन क्या है यहाँ से यहाँ तक पोजीशन सेम है, वो पोजीशन कितना है तो देखो तो 2 और 3 से 30 मीटर है। ओके सर, अब निकालो टी 2.5 में s कितना आएगा, तो यूटी टी इक्वल टू 2.5 में माइनस हाफ ए टी स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर, तो 6.25 कितना आएगा, ये 10 आ गया, तो 62.5 माइनस 5 कितना आ गया 25 31, ठीक है ये कितना आ गया बच्चों 31.25 मीटर आ गया, ठीक है 31.25 मीटर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा पूरा 31.25 मीटर आ गया, कितने पे t इक्वल 2.5 सेकंड पे। अब बताओ t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे 31.25 मीटर आ गया, तो अब बताओ मुझे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, अब सोचो मुझे निकालना डिस्टेंस थर्ड सेकंड मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, तो ये माइनस ये कितना 1.25 और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, ये भी कितना आ गया 1.25, क्योंकि यहां से यहां तक आया ना, है ना, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 1.25 प्लस 1.25 इस टाइप के क्वेश्चन होता है, ऐसे कितना आएगा बच्चों 2.5 मीटर, इसका भी आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा 2.5 आएगा, ये जरूरी है क्या, नहीं कोई जरूरी नहीं है बच्चों। ओके सर, तो बच्चों ऐसे ऐसा क्वेश्चन तुमसे आ रहा चीज में कोई शक वाली बात नहीं है। चलो बच्चों अब बहुत ज्यादा ओमेगा हो गया, अब मैं थोड़ा आता हूँ न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, नाम है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में क्या क्या बातें हैं, कैसे क्या करेंगे रिलेटिव मोशन थोड़ा हम जानेंगे। चलो देखो बच्चों रिलेटिव मोशन थोड़ा आज हम पढ़ेंगे, देख दो क्या है रिलेटिव मोशन, क्या बोला बच्चों रिलेटिव मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। बच्चों क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। चलो तो रिलेटिव मोशन क्या है कि नहीं, अब देखना रिलेटिव मोशन समझने के लिए क्या है, किसी पार्टिकल का मोशन है ना विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं रिलेटिव मोशन,
जैसे रिलेटिव मोशन में दो बातें हैं, क्या क्या पढ़ना है? तो रिलेटिव मोशन में एक तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड जो बोल दो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और तुम्हें स्पीड और वेलोसिटी में अंतर पता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ना है, दो बातें इसमें पढ़ना है बच्चों। क्या बोला बच्चों? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो थोड़ा हम सीखेंगे इसे। मान लो कोई एक पार्टिकल है ए पार्टिकल, स्पीड है वेलोसिटी वी ई। एक पार्टिकल है बी पार्टिकल जिसका स्पीड है वी बी, ठीक है। कोई बोले कि फाइंड, या तो बोले कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। क्या बोले? ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या बोलेंगे? वी ए बी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी वी ए बी, जो फॉर्मूला होता है वी ए बी, वो होता है वी ए माइनस वी बी। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या वेलोसिटी है, बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या वेलोसिटी है, बी के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव में, बी के रिलेटिव में ए का क्या वेलोसिटी है या क्या स्पीड है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सा बात है, ये बातें समझ में आ गया सर, ओके। कोई बोले रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ए ब्लॉक है एक्सेलरेशन ए है, ओके, बी ब्लॉक है ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेशन बी भी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, क्या बोला? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा ए ए माइनस ए बी। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो बी के रिस्पेक्ट में जानना है तो बी को क्या करना है, माइनस करना है। अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में जानना था, मुझे ए के रिस्पेक्ट में जानना था बी का क्या एक्सेलरेशन है, तो ए बी माइनस ए ए होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें भी अगर मुझे जानना है कि स्पीड ऑफ बी है ना रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए। ये बातें समझ में आ गया सर। सर इसका यूज क्या है मुझे बता दो। अरे इसका यूज इस तरह से है ताकि तुम्हें ये दिख जाएगा, वो इतना आसान सा क्वेश्चन बन जाता है रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से है ना क्वेश्चन आसान से बन जाता है, इसीलिए रिलेटिव मोशन यहाँ पे आया भी है, अन्यथा नहीं आता बच्चों, ठीक है। क्या होता है रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आसान से बन जाता है। अच्छा ये क्या है, बोलो बोलो, बी ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, ए ए के रिलेटिव में बी का वेलोसिटी, या तो बी का स्पीड, या तो वेलोसिटी जो कह दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर रहेगा तो वेलोसिटी रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी है ना, स्पीड होगा तो स्पीड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये मैंने वेक्टर से दिखा दिया तो इट बिकम वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट ही, तो वेक्टर में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन बातें हम याद रखेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ एप्लीकेशन। रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कहां पे है, क्या होता है इससे, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल दूंगा, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या करो, एक तरीके से और समझा जा सकता है, सेकंड मेथड समझा जा सकता है क्या है रिलेटिव मोशन, ठीक है, थोड़ा समझो। इसे क्या करो, कोई ए पार्टिकल है, वेलोसिटी है वी ए, कोई पार्टिकल बी है, वेलोसिटी है वी बी, ठीक है। मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए देखना है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या वेलोसिटी है। तो क्या करो सुनो, चीटा बनके, चीटा या तो चीटी बनके, चीटा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि चीटा क्या होता है, चीटी का क्या होता है, क्या होता है, फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग कोई बात नहीं, बोल दो चीटा है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या करो, या तो तुम क्या करो, तुम देखो मुझे देखना है वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी पे बैठ जाओ और देखो ए का क्या वेलोसिटी है, खत्म। उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। क्या बोला मैंने, बी पे बैठ जाओ और ए को देखो, ए को निहारो, तो उसे वो क्या स्पीड मिलेगा, उसे स्पीड मिलेगा जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ये कोई आदमी आ रहा है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, एक और कोई स्कूटी, मान लो कोई बस है,
एक और आदमी यहाँ स्कॉर्पियो 13 मीटर पर सेकंड, ये बताओ ये पीछे मान लिया, ये बताओ ये एक ये दो, अगर स्पीड देखना है मुझे एक का, अगर स्पीड देखना है मुझे टू का, ठीक है रिस्पेक्ट टू वन, तो क्या स्पीड देखेगा? अरे ये भी तो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये भी चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, तो इसे देखेगा इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। कैसे इसे क्या देखेगा इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड? कैसे क्या करो, इसका स्पीड खुद कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, इसको रेस्ट पे रख दो, वन को क्या करो रेस्ट पे रख दो। तरीका क्या था सुना रिलेटिव मोशन का, इसका वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकंड, इसका उल्टा वेलोसिटी दे दो, उल्टा कितना इसका इसके जस्ट उल्टा इसे दे दो, तो नेट वेलोसिटी कितना बच गया 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, है विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब वन के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वन क्या आ गया रेस्ट पे आ गया, मतलब वन के रिस्पेक्ट में मतलब वन क्या आ जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये क्या रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ बच्चों, ए को सारा वेलोसिटी दे दो बी का, वो भी उल्टा, ए का तो ए ही बी का उधर है, तो इसको उल्टा दे दो वीवी, और बी को क्या करो बच्चों रेस्ट पे रख दो, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना, उसको अगर रेस्ट पे रख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो बी को रेस्ट पे रख दिया, तो नेट वेलोसिटी ए का कितना मिल गया बच्चों, नेट वेलोसिटी ए का मिल गया वी ए माइनस वी बी, और बी क्या आ गया बच्चों यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। ये तरीका भी, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ए है रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को रेस्ट रख दो, सिंपल सा तरीका है, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करना है सुना, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसको रेस्ट पे रख दो, ठीक है जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसको रेस्ट पे रख दो, और जिसको देख रहे हैं उसको सारा कुछ दे दो, एक्सलेशन वेलोसिटी सारा कुछ दे दो। जैसे मान लिया इसका एक्सलेशन ए है, इस साइड की ही है, इस साइड ही एक्सलेशन, और इसका एक्सलेशन इधर है ए बी, तो नेट एक्सलेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सलेशन इसका ए ए है ही, और ए बी उल्टा मिल जाएगा, सही बात है, तो क्या हो जाएगा एक्सलेशन इसका ए ए माइनस ए बी, और बी क्या हो जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा। सर मेरा बच्चों यस सर, तो एक्सलेशन भी रिलेटिव में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उल्टा वेलोसिटी दे दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है समझना, अब क्वेश्चन बनाने का आसान तरीका, इसमें क्वेश्चन आसान से बन जाता है बच्चों। ओके सर, अब क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके सर, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चों, देखो देखो रिलेटिव मोशन का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, तो एप्लीकेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन उसका, फर्स्ट में एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट में एप्लीकेशन है कि अप्रोचिंग टू मूविंग ऑब्जेक्ट, अप्रोचिंग टू मूविंग ऑब्जेक्ट उसमें यूज है, उसमें हो सकता है टी टाइम निकालना पड़े, ठीक है उसमें हो सकता है कि उसमें निकालना पड़े डिस्टेंस में निकालना पड़ सकता है, अप्रोचिंग ठीक है टू मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब दो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके एक दूसरे से क्या हो रहा है अप्रोचिंग कर रहा है ईच अदर, है ना अप्रोचिंग ईच अदर बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, टू मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल कर रहा हूं समझना, जैसे मान लिया कोई छोटा सा मान लो गाड़ी है कोई, ठीक है लंबाई दिया हुआ नहीं है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। एक और कोई व्हीकल है, एक और कोई क्या है बच्चों व्हीकल है जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, देखा गया दोनों के बीच डिस्टेंस है 200 मीटर, कितना डिस्टेंस है बच्चों 200 मीटर, बोलते हैं कि बिना स्किडिंग ये बताओ कितने समय में इस बस को ये बस ओवरटेक कर देगा, बी बस है ए भी क्या बस है, बोलता है कितने समय में ए जो बस है वो बी बस को ओवरटेक कर देगा, सेफली ओवरटेक कर देगा,
ठीक है, कितने समय में, क्वेश्चन आया समय में ना, फाइंड टाइम व्हेन बस ए ओवरटेक बस बी सेफली, है ना, सेफली मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, मतलब इसके आगे से इधर जाएगा तो इधर से वो निकल जाएगा सेफली, ठीक है। कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा, सुनना, इसका स्पीड कितना है, 10% जो कॉन्स्टेंट स्पीड है, जो कोई एक्सलेशन नहीं है, अगर एक्सलेशन भी हो तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते इसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एक्सलेशन थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे ओवरटेक करेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सुनना, क्या करो, कैसे ओवरटेक करेगा, तो बी को क्या करो, रेस्ट पे रख दो, क्या बोला मैंने, बी को रेस्ट पे रख दो, ए को सारा कुछ दे दो, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का फासला है, बी को क्या करो, रेस्ट पे रख दो, ए को सारा कुछ दे दो, ए का वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और बी का भी उधर था तो ए को मिल जाएगा उल्टा की ओर माइनस 10 मीटर पर सेकंड, एक्सलेशन कितना है बच्चों इसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या इसका एक्सलेशन है, क्या नहीं है, जीरो एक्सलेशन है तो जीरो लिख दो, ठीक है, उल्टा मिल जाए, ठीक है। अब इसका स्पीड अब क्या हो गया, बी के रिस्पेक्ट में तो स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 20 माइनस 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड इस साइड, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन इस साइड, ए को कितना दूरी जानना जाना है बी तक के लिए, तो बी तक के लिए कितना जाना है 200 मीटर, रेस्ट पे आ गया, सारा कुछ दे दिया, ओके सर, सारा कुछ दे दिया मैंने, और ये रेस्ट पे आ गया, अब सोचो ये रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया बी को रेस्ट पे, अब इसको जाना है कितना 200 मीटर, ये रेस्ट पे आ गया, देखो तो रिलेटिव मोशन से कितना कुछ आसान हो गया, समझ में आया, क्या बोला बच्चों, यस सर, रिलेटिव मोशन क्या करो, दूसरे को रेस्ट रख दो और सारा वेलोसिटी उसे दे दो, एक्सलेशन दे दो उल्टा में, वही तो किया, अब ए को 200 मीटर जाना पड़ेगा, ये रिस्ट पे आ गया, क्वेश्चन आसान बन गया, अब देखो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब तुम कहो सर कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए बी वेलोसिटी ए टी टाइम तो लेगा हाफ ए एक्सलेशन, ठीक है, रिलेटिव मतलब सभी का रिलेटिव लिख लिया, ए से बी के बीच डिस्टेंस कितना है 200, तुम चाहो तो रिलेटिव नहीं भी ले सकते हो, सिंपल से यूज कर लो एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, क्योंकि इसे जाना कितना है 200 मीटर, तो रिलेटिव यहां मैंने रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया, रिलेटिव वेलोसिटी यहां यूज किया है ए बी, ठीक है। अब देखो एस ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना 200 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी ए का रिस्पेक्ट टू बी कितना 10 मीटर पर सेकेंड, टी टाइम प्लस हाफ ए कितना, रिलेटिव कितना 10 टी स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों देखो 200 इक्वल टू 10 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 टी माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है, टी टाइम का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 ए सी 400, ठीक है, बाय 2 कितना गया बच्चों माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 404 बाय 2, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर दो, जो पॉजिटिव आएगा टाइम वो क्या होगा आंसर, या नेगेटिव लेंगे क्या, नहीं, यहां पे क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, जो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, एक पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, समय में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज क्या समय में आ गया, यस सर, तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज किया यहीं पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे बनाया जा सकता है क्या, यस सर, चलो देखो, चलो कभी कभी क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो लंबा सा बस है, मान लिया 100 मीटर का लंबाई, मान लिया इससे लंबाई कितना होता है 20 मीटर का मान लिया मैक्सिमम, ठीक है, स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक और बस है जिसका मान लिया वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलता है इसका भी लंबाई कितना है 20 मीटर, बोलता है कितने समय पे वो एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगा, सुनना यहाँ पे बस का लंबाई गिवन है, मतलब ओवरटेक और दिया हुआ है कि दोनों के बीच जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, कितना डिस्टेंस है बच्चों 100 मीटर, या तो दिया हुआ है
160 मीटर कितना है, 160 मीटर इनिशियल डिस्टेंस है इसका, इसका सबसे फ्रंट व्यू और इसका बैक व्यू, तो उसके बीच से कितना 160। बोलता है कितने समय में वो ओवरटेक कर लेगा। अब सुनना, यहां पे जो डिस्टेंस लेंगे ना वो डिस्टेंस इतना इससे ज्यादा पड़ेगा, इसको ओवरटेक करने के लिए इसका इससे जाना पड़ेगा 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 160 मीटर कितना हो गया 200 मीटर। अब क्या करो, ए मान लो इसे बी मान लो, तो ए का बी को रेस्ट पे रख दो, बी को क्या करो बच्चों रेस्ट पे रख दिया, ठीक है, ए को सारा कुछ दे दो 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 40 मीटर पर सेकेंड इसका, इसका कितना है बी का 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको उल्टा दे दिया, एक्सप्रेशन कितना था इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का इसका उल्टा दे दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया, और नेट एक्सप्रेशन कितना आ गया, तो नेट आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसको ए को। अब ए को जाना कितना है, ए को जाना है 200 मीटर, बी क्या आ गया बच्चों, बी आ गया रेस्ट पे, समझ में आया बच्चों, यस सर। अब कितना समय लगा, लगा दो एस बराबर यू की प्लस आर पटी स्क्वायर, कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना 200 मीटर बराबर यू टी, यू कितना है, तो यू है 30 टी प्लस हाफ ए, ए कितना 2 टी स्क्वायर, यहां से टी टाइम का जो पॉजिटिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर लंबाई दिया हो बस को तब तो मैं पूरा पूरा डिस्टेंस लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, यस सर, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम सुनना चाहिए यार। चलो और करते हैं, देखो तो जहां तक बस की बात है, बस वाला क्वेश्चन हो गया है, बस वाला क्वेश्चन नीट में आ रखा है बहुत बार, कितने कितने समय में ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, तो ये सब बातें निकालना पड़ेगा। चलो तो वर्टिकल में आते हैं, देखना वर्टिकल रिलेटिव मोशन में, वो तो हॉरिजॉन्टल में था, थोड़ा वर्टिकल की बात करते हैं, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन में, सॉरी वर्टिकल मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, वर्टिकल मोशन में बात करूंगा, बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो बच्चों देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखना क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है। तो देखो बिल्कुल आसान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कोई मान लो स्टोन है ए, एक कोई स्टोन है बी, इसको फेंका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हाइट है 80 मीटर, कितना हाइट है बच्चों 80 मीटर, ओके सर, ठीक है सर, इसको मैंने यहां से ड्रॉ किया, क्या किया बच्चों ड्रॉ किया, बोलता है कि कितने समय पे वो मिल गया होगा, फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, समय बताओ जब दोनों एक दूसरे से मिल गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से व्हेन दे मीट, जब जहां पे वो मिला है वो डिस्टेंस निकालना। देखो बच्चों क्या है, अब देखो यहां पे दो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात है, जहां पे दो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात है चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, हमेशा वर्टिकल मोशन लगाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात, सॉरी हमेशा रिलेटिव मोशन लगाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं, तो क्या करो, किसी को भी या तो ए को रेस्ट पे रख दो या को बी को रेस्ट पे रख दो, मैं क्या किया ए को रेस्ट पे रखा, ठीक है बच्चों, ए को क्या किया रेस्ट पे रखा, बी को सारा कुछ दे दिया, बी को क्या किया बच्चों सारा कुछ दे दिया, ठीक है, अब देखना बी को सारा कुछ दे दिया, अच्छा ए का ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन अगर ए का देखा जाए तो नीचे मान लिया माइनस का, तो नीचे क्या लगेगा माइनस जी, नीचे क्या मान लिया माइनस, कोई बात नहीं। अच्छा बी का एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस जी, रिलेटिव एक्सेलरेशन बी का एक रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो माइनस जी माइनस माइनस जी, मतलब ए बी माइनस ए ए, तो ये आएगा जीरो, क्या आएगा बच्चों जीरो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा जीरो, क्यों, क्योंकि क्योंकि जो जी जो होता है ना ग्रेविटी, वो हमेशा क्या लगता है नीचे ही लगता है, तो अगर इसका नीचे लगता है इसका भी लगता है नीचे, तो इसका नीचे तो इसको क्या ऊपर रहेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा जीरो आएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों जीरो आएगा, मतलब कोई जी इस पे नहीं लगेगा, इस पे जी क्या लगेगा
जीरो मतलब कोई भी जी इस पे नहीं लगेगा। सिंपल क्या, इस स्पीड से वो ऊपर जाना पड़ेगा। कितना ऊपर जाना पड़ेगा बच्चों, 80 मीटर। मतलब ए अगर रेस्ट पे हो तो बी को सिर्फ क्या मिला, तो वेलोसिटी मिला कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखना सब कुछ क्या है, बी का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। कितना जाना पड़ेगा, 80 मीटर जाना पड़ेगा। कोई एक्सेलरेशन इसका है क्या, ना तो ऊपर ना तो जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या याद करेंगे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। ड्यू टू, क्योंकि ग्रेविटी लेंगे यहां पे ना। हाँ, यस सर, ग्रेविटी इज जीरो। तो ये बातें याद रखेंगे हम। ओके सर, ठीक है क्या, यस सर। अब देखना तो ये 30 मीटर पर सेकंड से एस बराबर यूटी प्लस हाफ पीटी स्क्वायर। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो ही आया, ठीक है। 80 मीटर जाना पड़ेगा, 30 × t प्लस जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। टी कितना लगेगा, 8/3 सेकंड में वो एक दूसरे से मिल जाएगा। देखो इसको रेस्ट पे रहेगा, एक्चुअल में रेस्ट पे रहेगा, नहीं रहेगा, एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं रहेगा वो पार्टिकल, लेकिन रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आसान से बन जाता है, इसलिए ऐसा बना रहा हूं मैं। सही मायने में क्या होगा, सही मायने में ये होगा कि 8/3 सेकंड से ये ऊपर, 8/3 सेकंड में ये पार्टिकल ऊपर गया होगा, कहीं यहां पे ऊपर जा रहा होगा और ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तो यहां पे मिल गया होगा। ये बात कुछ अलग है। अब देखना है कि कितने ऊपर, यहां से ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से कितना ऊपर वो मिला है। तो किसी भी एक पार्टिकल को डील करो, कितना ऊपर गया है ये पार्टिकल, बी पार्टिकल, किसी भी एक, या तो ए पार्टिकल को डील करो या तो बी पार्टिकल को डील करो, तो कितने टाइम में मिलेगा उसका आंसर आएगा। उसका आंसर क्या है, 8/3 सेकंड में वो मिल जाएगा, 8/3 सेकंड उसको लगेगा जाने में, ठीक है बच्चों। तो 8/3 सेकंड में वो मिल जाएगा। चलो अब करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो मिलेगा, उसकी बातें करते हैं। चलो देखो कितने डिस्टेंस से मिलेगा यहां से ग्राउंड से, 8/3 सेकंड में ये भी नीचे आया होगा, है कि नहीं। 8/3 सेकंड मतलब दोनों को ये, मतलब एक बार यहां से छोड़ दिया गया, एक बार यहां से वेलोसिटी दिया गया, तो 8/3 सेकंड में मिल गया। अब दिखाना कितना डिस्टेंस जाएगा। अब बी के लिए कितना जाएगा, देख बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, और बी का खुद का एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना है, जी। जी कितना है, 10 एलिया में, ठीक है। और ऊपर कितना, कितने समय पे ये टी इक्वल टू 4/3 सेकंड पे देख लेंगे कितने डिस्टेंस वो ऊपर जा रहा है बी पार्टिकल। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, फोर बी के लिए, फोर बी के लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि बी ही ऊपर जा रहा है। तो मुझे देखना है कि यहां से कितने डिस्टेंस पे वो मिलेगा, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, एस बराबर यूटी 30, टी कितना, तो 4/3 माइनस, माइनस क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे, 10 t² तो 16/9 कितना आ गया, देखो 10 कितना आ गया, 40 माइनस 5, 80/9 कितना आ गया, ये 360 माइनस 80/9 कितना आ गया, 60, 280/9 मीटर पे वो मिल जाएगा लगभग। मतलब कितना आ गया लगभग, ये 27 3 27 10 31 वन, है कि नहीं, मतलब 31 पॉइंट लगभग जो भी है, 31.1 मीटर का वो ऊपर की ओर मिल जाएगा। किसी भी एक पार्टिकल के लिए मैंने निकाला, तो दो बातें याद, रिलेटिव मोशन अगर मुझे टी टाइम निकालना है तो रिलेटिव मोशन निकालेंगे, और स्ट्रेस निकालना है तो किसी भी एक पार्टिकल, जैसे मान लो बी पार्टिकल को मैंने डील किया, तो बी पार्टिकल का मोशन इतना है, ग्रेविटी नीचे है, इतने टाइम पे कितना डिस्टेंस जाएगा, तो ये सिंपल सा आंसर आ गया। तो इतने डिस्टेंस पे वो मिल जाएगा, कितना आंसर आएगा बच्चों, डिस्टेंस 31.1 मीटर पे वो मिल जाएगा। ओके सर, समय में आ गया बच्चों, यस सर। ओके, आज का क्लास यहीं तक ओवर।